घनेन्द्र भारद्वाज जी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। घनेन्द्र भारद्वाज जी, दो प्रश्न हैं आपसे। एक तो ये कि जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शाम को क्या वाकई में जंतर मंतर का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने वाले हैं। दूसरा ये कि आज आपने सुना होगा कि जो आपकी टीम इंडिया तैयार हुई है उसकी तुलना जो है अंग्रेज आए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी हो गई है, वहां पर भी इंडिया लगा हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन से भी हो गई है, वहां पर भी इंडिया का जिक्र हो जाता है। देखिए, सबसे मानसिकता पता चल सकती है कि नरेंद्र मोदी जी किस मानसिकता से सरकार चला रहे हैं। आज उनको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने इंडिया अलायंस के नाम को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, पीएफआई से जोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया। ये नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से इनकी सरकार के जो भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया हो, वो जो भी इंडिया के नाम से उन्होंने खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, ढिकाना इंडिया, तब इनको ये याद नहीं कि इंडियन मुजाहिदीन भी है, तब इनको याद नहीं कि पीएफआई भी है, तब इनको याद नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी डरे हुए, नरेंद्र मोदी घबराए हुए, नरेंद्र मोदी इस समय पूरी तरह निराश हैं। और इस तरीके के जब हमले कोई प्रधानमंत्री स्तर का आदमी करता तो आप समझ सकते हो कि किस मानसिकता से वो काम करे, किस निराशा और हताशा से भरे हुए। ये प्रधानमंत्री का हताशा निराशा वाला एक उनका जो उनके अंदर थी निराशा और हताशा, वो बाहर निकल के आई है। और प्रधानमंत्री को ये पता चल गया कि 2024 में उनकी सरकार जाने वाली, देश के लोग अब इस मोदी सरकार से छुटकारा चाहते हैं। इस मोदी सरकार ने 9 साल में देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। देश का हर संसाधन इन्होंने अपने उद्योगपति दोस्त को बेच दिया। आकाश से लेके, पाताल से लेके, धरती से लेके आसमान तक सब कुछ इन्होंने अपने मित्रों दोस्तों को दे दिया। देश यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपके बस की शासन चलाना नहीं है, आप जाओ और अडानी के एजेंट के रूप में काम करो, आप अडानी के दलाली करो, यही काम नरेंद्र मोदी का रह गया है। और आज जिस तरीके से मणिपुर में प्रधानमंत्री है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है घनेन्द्र भारद्वाज जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आज जो टीम इंडिया पर प्रश्न उठ रहे हैं, ये जो बनी है नई पॉलिटिकली, तो क्या खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसके पीछे जो इंडिया लगा है वो कोई दूसरा इंडिया है क्या? बिल्कुल, दोनों इंडिया अलग है। जो बाकी इंडिया की बात कर रहे हो, खेलो इंडिया, भारत इंडिया, वो इस देश से नाम से जुड़ा हुआ है। और जो ये इन्होंने इंडिया, जिसका फुल फॉर्म आपको और हमको भी पूरी तरीके से अभी याद नहीं हुआ है, वो इंडिया हमारा विपक्ष है। तो इन दोनों इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। ये इंडिया जिस हम इंडिया की बात करते हैं वो भारत को आगे ले जाता है। दूसरा जो इंडिया की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने एक विपक्ष का दल बनाया है, वो इंडिया वो है जिन्होंने भ्रष्टाचार करके, लगातार भ्रष्टाचार करके, कि अभी घनेन्द्र भारद्वाज जी इतनी ऊंची ऊंची आवाज में प्रधानमंत्री तक को भी दलाली के दलाल वर्ड से यूज कर रहे हैं। कई बार हमको शर्म लगती है, और शर्म इस बात के लिए नहीं आती कि ये किस इंडिया को बनाना चाहते हैं। जो व्यक्ति एक दिल्ली को ठीक नहीं कर पाया, अभी हम यहाँ आंदोलन में थे और वहाँ चारों तरफ लोग एक ही मांग कर रहे थे कि केजरीवाल से दिल्ली संभल नहीं रही। जो व्यक्ति दिल्ली का एक कोना नहीं संभाल सकता, दिल्ली के 1/1000वें पार्ट में बाढ़ आई है, उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने जजमेंट में कहा है कि आपको दिल्ली की प्रगति के लिए पैसा देने में बड़ी दिक्कत हो रही है और अपने एडवर्टीजमेंट में आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये सब चीजें दर्शाता है कि केजरीवाल जी फेल हैं, क्योंकि वो यहाँ फेल हो चुके हैं। तो अब करें क्या वो, तो वो कभी किसी नाम से, और कई बार क्या होता कि बहुत सारे लोग गैंग बनाते हैं। मैं इसको गैंग इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बुरा ना मांगे, गैंग मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल जिनकी मानसिकता एक ही है, ये सब परिवारवाद से। यदि ये सभी भ्रष्टाचारी हैं जो आपने कहा, तो आप उठा के जेल में क्यों नहीं डालते हैं, क्यों छोड़ा हुआ है आपने बाहर? जीनत जी जा रहे हैं, 2 जेल में गए हैं, क्यों नहीं डालते हैं सर? यदि आपको मालूम है सत्ता में आप हैं और ये बात सभी जानते हैं, सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता, क्यों नहीं डाल देते हैं सर? किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 2 लोग जेल में हैं, तीसरे की तैयारी है और नवंबर तक देखिए चौथे भी पहुंचेंगे। ये आपको किसने बताया, ये आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन किसने दे दी? हमने तो जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हर जगह पर इन केजरीवाल जी का नाम आ रहा है, और उन सब चीजों में चाहे वो सी अरविंद का हो मैसेज, चाहे वो विजय नैयर ने कहा हो कि केजरीवाल जी ने ये सब कराया है, तो हमको लगता है ज्यादा दिन दूर नहीं है। ये जितने भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठा हुए हैं, हमको तो इनको मौसेरा भाई बहन इंडिया नाम रखना चाहिए था, ये सब आपस में मौसेरे भाई बहन है,
और एक ही उद्देश्य से जुड़े हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को हटाया जाए, जो देश को आगे ले जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के ऊपर से अनुरोध करता हूं कि यदि प्रधानमंत्री जी को ये कहेंगे कि अडानी जी यहाँ छोड़ के और अडानी जी की दलाली करें, तो मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ गहन भरद्वाज जी, ये जो आपने बोला है आपने कभी सीनियर्स को बताइएगा कि हम ऐसा बोल के आए तो खुश नहीं होंगे और दुख होंगे। कैसे प्रवक्ता हो आप कि दिन भर गाली देते हो सब इस पर? भारद्वाज जी आपको जवाब देना चाहेंगे, जल्दी से दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी तो जो टीम इंडिया है उस पर तो बहुत सारे प्रश्न है। आप सीधा भ्रष्टाचार जैसी बात कर रहे हैं और सभी को एक तराजू में तौल देना तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। वो अलग बात है कि सभी अपनी अपनी टीमें बना रहे हैं चुनाव आते ही। फिर विक्रम लोहिया जी जुड़े, मैं फिर उनके पास जाऊंगी। बोले घनेन्द्र जी। जीनत जी, हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है, उस मानसिकता के खिलाफ है जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि प्रधानमंत्री अगर इंडिया के नाम से कोई योजना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का अलायंस का नाम अगर इंडिया हो गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। इनके पेट में, इनके असम के मुख्यमंत्री ने तो अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया लिखवा दे रहे हैं। इंडिया से इतनी क्या दिक्कत है, इंडिया से इतनी क्या चिढ़ है, जो इंडिया के इतने खिलाफ है, हमारी समझ से बाहर है। और प्रधानमंत्री, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब से 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से अगर आप देखोगे तो लगातार देश के संसाधन को बेचा जा रहा है। देश की रेल बेच दी, देश का कोल बेच दिया, देश के एयरपोर्ट बेच दिए, देश का सब कुछ अडानी को भेज दिया इन्होंने। और पिछला अगर आप सेशन देखोगे, पिछले सेशन में हम कहते रहे कि अडानी के घोटाले की चर्चा कराओ, उन्होंने चर्चा नहीं कराई, पूरे का पूरा सेशन वाइप आउट कर दिया। और ये वाला मानसून सेशन भी हम कह रहे हैं कि इस मानसून सेशन में आप मणिपुर में चर्चा क्यों नहीं करोगे, देश का प्रधानमंत्री। कुल 17 सिटिंग्स होनी थी, 4 दिन तो तबाह हो चुके हैं, किसी मतलब के नहीं रहे, हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं, थोड़े से बचे हैं। 31 बिल सरकार लाने वाली थी, 21 नए हैं, 10 ऐसे हैं जो किसी न किसी सदन में पेश हो चुके हैं। ऊपर से यूसीसी को लेकर भी खबरें थी, लेकिन कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। विक्रम लोहिया जी, जो आप लोगों ने टीम इंडिया बनाई और जिसे माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है, उस पर तो गंभीर प्रश्न उठा दिए हैं। आप बताइए, इंडियन मुजाहिदीन फिर से चर्चा में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए थे जब तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, 1600 ईस्वी का भी जिक्र हो गया। गजब की तुलना है वैसे ये आपकी टीम इंडिया की। देखिए, तुलना करना तो देखिए, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे थे, मणिपुर की हिंसा रुकवा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से वादे करते हैं, आज संजय सिंह को सदन से सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए, लेकिन एक बृजभूषण शरण उसी सदन के अंदर बैठा हुआ है, एक आरोपी, एक बलात्कारी आदमी जिसके ऊपर इतने घिनौने आरोप लगे हुए, उसको सस्पेंड कब किया जाएगा? मेरा पूछता है भारत, आज पूछता है भारत कि प्रधानमंत्री जी कब मणिपुर का दौरा करेंगे? आज पूछता है भारत, आज भारत पूछता है कि आज कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए इंडिया का जो एक गठन बनाया गया, उसका नाम इंडिया रखा गया है। आप बताइए, 38 दल और मोदी शाह, अली बाबा 40 चोर, ये भी तो एक नहीं सर, शब्द मर्यादित इस्तेमाल कीजिए प्लीज, किसी के लिए भी। मैं आपसे कहता हूँ, अली बाबा 40 चोर, मैं कह रहा हूँ फिर बार बार आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग दूसरों की तुलना जिस मर्जी से करते, आज मणिपुर में सरकार गिरानी होती तो मोदी शाह दोनों मिले होते वहां पर पे जाकर के सरकार गिराने बनाने का काम कर रहे होते, परंतु आज वहां बच्चियों को संवेदना देने का काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी को जाकर के वहां पर पे दौरा करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जनों की सुविधाओं के लिए आज सबसे पहला कदम जो आगे बढ़ा रहे हैं वो राहुल गांधी जी बढ़ा रहे हैं। मोदी जी कहां अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? यूक्रेन का युद्ध रुकवाने चले थे, कहते विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे छोड़िए विश्व गुरु बनने की बात, आप हिंदुस्तान के गुरु नहीं बन पाए। आप क्या करना चाहते थे? आप जनता दुखी हो गई है। मैं तो चाहता हूं प्रधानमंत्री जी बड़ी इज्जत से और सम्मान से इस्तीफा देकर के राजनीति से संन्यास ले लें। ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है जो झूठ झूठ, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड कर लीजिए, मैंने इस हिंदुस्तान के अंदर इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। हर बात चुनाव, एक सेकंड बताइए, एक बात बताइए, पॉलिटिकल चलिए रैली की जबान आप लोग प्लीज यहां पर इस्तेमाल मत कीजिए। मेरा जो मूल प्रश्न है, आपके सामने एक नेता है जो लगातार चुनाव जीत रहा है, उसकी अपनी लोकप्रियता है, उसका अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का, तो आप उसको काउंटर कीजिए, आप जाके लड़िए चुनाव उस तरीके से। देखिए सुनिए, ये निजी टिप्पणियां, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके तो कुछ हासिल होने से रहा? आप जनता में भरोसा पैदा कीजिए अपने लिए, ये तो ओपन फाइट है ना सर, है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी इन 9 सालों में अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएं कि हमारी उपलब्धि ये है। आज भी वो ठीकरा बोलते हैं जी नेहरू जी ने ये किया, गांधी ने ये किया, काने ने ये किया, चरखा खुद चलाते हैं और चतुर बनिया महात्मा गांधी जी को अमित शाह जी बोलते हैं, उस गांधी का अपमान करते हैं ये लोग, और ये लोग गांधी की बात करते हैं।
जाकर के विदेशों में गांधी की प्रतिमा पे पत्थर टेकते हैं। ये लोग वो लोग हैं इनकी करनी और कथनी में हमेशा फर्क होता है। आप देखिए बृजभूषण शरण को देख लीजिए आप, आज बाबा राम रहीम जेल से बाहर है, आज देखिए किस प्रकार से ये लोग झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पटाओ का मुंह से प्रधानमंत्री जी के। सर अभी प्लीज इस लेवल पर मत आइए, जुबान फिसलने को अगर आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा खराब लगेगा। शुभेंद्र नहीं प्लीज प्लीज विक्रम लोहिया जी, लोग भी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। शुभेंदु जी जवाब दीजिएगा, वो ब्रजभूषण और सभी नेताओं की लिस्ट आपके सामने रख दी है उन्होंने। देखिए ब्रजभूषण शर्मा जी को कोर्ट ने बेल दिया है और कानून के हिसाब से जब तक 2 साल की सजा ना हो जाए किसी को भी सदन से नहीं निकाल सकते हैं। राहुल गांधी जी को भी तभी निकाला गया था जब उनको कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी और उसके बाद एक्शन हुआ। विक्रम लोहिया जी मैं खाली एक ही अनुरोध करता हूँ आपसे या गणेश भरद्वाज जी से, आप जितना भी गाली दोगे ना वो प्रवक्ता का जो पद होता है ना वो बड़ा शालीन होता है और मैं यही चाहता हूँ आप अपना विषय जरूर रखो। तो मेरी कोई बात खराब लगती है या हमको आपकी बात खराब लगती है तो रखना चाहिए, परंतु इस तरीके के शब्दों का यूज करके और इस तरीके के वक्तव्यों को बोलने से जबान खाली होगी और जो ये डिबेट का स्तर है वो और नीचे जाएगा। मैं एक ही चीज कहता हूँ आप समझिए विक्रम लोहिया जी और धनेन्द्र भरद्वाज जी, आप अपने कोई भी इंडिया को शुभेंदु जी आप कोई भी इंडिया को लेकर चलिए देश के, आप देश के प्रधानमंत्री जी की माता हूँ, किस प्रकार की प्रधानमंत्री जी माता, वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ आप सुनिए, प्रकार की मैं कह रहा हूँ आप कोई भी इंडिया को लेकर चलिए, इस देश में आपको सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा, आपको जीतना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये लोकतंत्र का चुनाव अभी 2024 में आने वाला है, आप भी तैयारी कर रहे हैं और हम भी तैयारी कर रहे हैं, आके देखते हैं ना कि जनता फिर किसको चुनती है। अब एक बात बताइए, ठीक है अब आप लोग आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं बाढ़ को लेकर, बाढ़ कब आई, तबाही कब लाई, कई तरह के प्रश्न उठे, आज आपको अचानक याद आई जब दिल्ली की सरकार जो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ये थोड़ा टाइमिंग बताइएगा शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। हाँ देखिए ये आज जो प्रदर्शन था वो खाली बाढ़ के ऊपर नहीं था, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि दिल्ली के विकास के लिए केजरीवाल जी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं उसके लिए था। बाढ़ आने के बाद जो लोगों की एक बच्चा 2.5 साल का 3 साल का बच्चा घर पे पानी पड़ने से मर गया उसके ऊपर आज हम लोगों ने घेराव किया है उनके ऑफिस का। एक लोगों को बाढ़ आने के बाद यहाँ बीमारियां फैल रही है, सफाई तक नहीं हो रही है और वहाँ आज भी कितने घरों के पास खाना और रहने के लिए टेंट नहीं है। एक दिन जिन्नत जी शाम के समय आ जाइए ना रोड पे, किस तरीके से महिलाएं बैठी हुई हैं रात रात भर जग रही हैं क्योंकि हम लोगों को जाने मैं तो रोज गुजरती हूँ, आपको जानकारी भी है कि मैं मयूर विहार में रहती हूँ और यमुना किनारे वाले जो लोग हैं भी फ्लाईओवर के आसपास ही बसे हुए हैं, रोड तो मेरा तो रोज उनसे वास्ता पड़ता है, कितने रोज वास्ता पड़ता है वो, मैं तो आप लोगों की टाइमिंग पर प्रश्न उठा रही हूं। फेल हुई है दिल्ली सरकार, हर जगह फेल हुई है, इसके लिए ये आज धरना दिया है और केजरीवाल जी से इस्तीफा मांगा है, ठीक है बाढ़ से नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जनता के मुद्दों को आप जरा सही समय पर उठाएं और ये जो सिलेक्टिव अप्रोच होती है वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।